यहां पर मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और शुरुआत करेंगे 15 संभाग 15 खबर की। और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि आपके संभाग की बड़ी खबर क्या है। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको चार तस्वीरें कि बरसात का क्या कुछ असर हो रहा है। ये चार तस्वीरें देखिए, भदभदा डैम की पहली ये तस्वीर है जहां आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बारिश के कारण अब डैम के गेट खोले जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, सीहोर में भी हालात कुछ ऐसे ही हो गए हैं, तो वहीं डिंडोरी में भी डैम के गेट खोल दिए गए हैं और इधर तवा डैम के भी 5 गेट खोल दिए गए हैं। ये चार तस्वीरें आप देखिए, मध्य प्रदेश की चार तस्वीरें हैं। बारिश लगातार हो रही है, भोपाल में बीते 24 घंटे से बारिश जारी है और ये चार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश का असर किस तरह से पड़ रहा है। जल स्तर जो कि लगातार बढ़ रहा है, राजधानी भोपाल में भी बड़ा तालाब का जलस्तर बढ़ने की वजह से भदभदा डैम के गेट खोले गए, इधर सीहोर के डैम के भी गेट खोल दिए गए हैं, डिंडोरी डैम के भी गेट खोले गए हैं, तो वहीं तवा डैम के गेट भी खोल दिए गए। तो देखिए आपने ये चार तस्वीरें देखी और इन चारों तस्वीरों में आपने देखा कि जो बारिश लगातार हो रही है उसका असर क्या कुछ हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहीं भोपाल में झमाझम बारिश के चलते भदभदा डैम के गेट भी खोल दिए गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीती रात से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भोपाल और सीहोर जिले में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर बड़े तालाब का लेवल 1666 फीट पहुंच गया है और बड़ा तालाब अब सिर्फ 0.80 फीट ही खाली है। वहीं बड़ा तालाब में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए भोपाल के भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। भदभदा के गेट खोले जाने के बाद शहर में क्या स्थिति है बारिश को लेकर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरेंद्र नारायण मिश्रा सर है। सर क्या कुछ तैयारी है, गेट खोले गए हैं, किन किन इलाकों में ये पानी पहुंचने की संभावना और क्या कुछ अलर्ट किया गया आसपास के इलाके? देखिए ये जो गेट खुला है तो यहाँ से कलियासोत डैम में जाता है, कलियासोत के ऑलरेडी 6 गेट खोले जा चुके हैं आपको पता है, तो मुझे लगता है कहीं पर ऐसी जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑन द वे जो लो लाइंग एरियाज हैं दोनों बैंक्स पे, तो वहाँ पे कुछ आवश्यकता होगी तो हमारी टीम ऑलरेडी अलर्ट है, वहाँ पर हम इवैक्यूएशन अगर जरूरत होगी तो लोगों को इवैक्यूएट करके लेके जाएंगे। तो ये थे हरेंद्र नारायण मिश्रा जो ये कह रहे थे कि अगर किसी भी तरीके से जल भराव की स्थिति बनती है, लो लाइन एरिया में कहीं भी पानी भरता है तो नगर निगम की टीमें यहाँ मौजूद है। कैमरा राकेश के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज भोपाल। लगातार हो रही बारिश के चलते भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए। इस दौरान महापौर मालती राय, आयुक्त हरेंद्र नारायण सहित निगम अधिकारी डैम पर मौजूद रहे। बता दें आपको कि राजधानी में सीजन की 71% बारिश हो चुकी है, वहीं भोपाल में 106% बारिश का अनुमान है। इधर भोपाल महापौर मालती राय ने जनता से इस बारिश में सुरक्षित रहने की अपील की है। पूरा अमला सड़क पर है, पूरा नगर निगम काम कर रहा है। भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है कि ये तो प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा को भोपाल की जनता, सभी जनप्रतिनिधि और मीडिया के बंधु साथ में मिलकर हम इस आपदा से आगे सहयोग करके साथ देंगे तो भोपाल एक आदर्श भोपाल बनेगा कि प्राकृतिक आपदा में पूरा भोपाल एक रहा। न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि आसपास के इलाकों में भी लगभग 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। ऐसे में जहां कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है तो वहीं जनजीवन भी प्रभावित है। भोपाल से विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे अगले संभाग की यानी कि ग्वालियर संभाग की। ग्वालियर में एक बिजनेसमैन की पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। एक ओर जहां सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई जिलों में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। पुलिस भी इन बदमाशों पर अंकुश लगाने की पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में ग्वालियर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर के कुख्यात बदमाश आकाश जादौन को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सुबह करीब 4 बजे पुलिस और बदमाश आकाश का आमना सामना हुआ, जब बदमाश ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलियां चलाई। मुठभेड़ के दौरान एक गोली आकाश को लगी जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर अस्पताल ले आई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर SP धर्मवीर सिंह। सर एक बड़ी कह सकते हैं बड़ी सफलता।
देखिए, आज सुबह लगभग 3:30 बजे पुलिस एनकाउंटर में एक अपराधी को पकड़ा गया है। पुलिस की टीमें लगातार रात्रि में फील्ड में थी, हमारी कॉम्बिंग एक्सरसाइज जारी थी। उसी के दौरान लेट नाइट इनपुट मिला कि एक बदमाश है जो शिवपुरी तरफ भागने वाला है। तो उस इनपुट के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीमों ने वहाँ दबिश दी, उनका घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान जो बदमाश है वो दोनों तरफ से घिर गया था और उसने अपनी जो डायरेक्शन है रेलवे ट्रैक की तरफ डाल दी। पार्टियों ने उसको गिरफ्तारी करने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर की। उसके पास पिस्टल थी, पिस्टल से फायर किए गए। तो पुलिस पार्टी ने भी अपनी सुरक्षा के लिए और आत्मरक्षा में गोलियां चलाई हैं और उसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी है और वो घायल हुआ है। इमीडिएटली उसको जीएच हॉस्पिटल लाया गया जहाँ एडमिट किया गया है। दरअसल बीते महीने 29 तारीख को शहर में सत्यम ट्रैवल्स के संचालक संतोष गुप्ता की पत्नी अनीता गुप्ता की लूट के लिए हत्या हुई थी। इसी मामले में पुलिस आकाश और उसके गैंग की तलाश कर रही थी। इस गैंग ने शहर में हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर खलबली मचा दी थी। इस मामले में आकाश पर 30,000 रुपए इनाम और 22 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। इसके साथ ही अन्य दो अपराधियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था और उनके भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं। बताया जा रहा है कि 29 जुलाई को कुख्यात बदमाश आकाश जाधव ने मेला की हत्या कर दी और उसके बाद लगातार फरार चल रहा था। पुलिस की टीम ने आज सुबह 4 बजे शॉर्ट एनकाउंटर में इसे गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही एक अन्य साथी को भी धर दबोचा है। इस पूरी घटना में एक आरोपी अभी भी फरार है जिसको लेकर पुलिस उसकी तलाश करने में जुटी है। अब देखना होगा कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बेखौफ बदमाशों पर कितना लगाम लग पाता है और ग्वालियर में कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त हो पाती है। क्या किसी जीवित व्यक्ति को अपने आप को जिंदा साबित करना पड़ सकता है? ये सुनकर शायद आपको भी अजीब लगे, लेकिन एक ऐसा ही मामला सामने आया है चंबल संभाग के मुरैना जिले से, जहां एक बुजुर्ग के साथ ऐसा कुछ हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। साहब, मैं जिंदा हूं, मुझे मृत घोषित कर दिया गया है। ये शब्द है चलती फिरती महिला के, जिसे ऑनलाइन पोर्टल में मृत घोषित कर दिया गया। अब ये बुजुर्ग महिला अपने जिंदा होने का सबूत लेकर दर दर भटक रही हैं। दरअसल मुरैना के हिंगोना खुर्द गांव की इस बुजुर्ग महिला को वृद्धा पेंशन मिलती थी, जिससे उसके परिवार का और उसका जीवन यापन हो रहा था। लेकिन रोजगार सहायक ने ऑनलाइन पोर्टल पर महिला को मृत घोषित कर दिया, जिसकी वजह से उसकी पेंशन रुक गई। हाँ, सेक्रेटरी ने मृत घोषित कर दिया है और पेंशन बंद करवा दी 2 महीने की। वहाँ दुकान पर गए, केवाईसी करवे आओ ना सेक्रेटरी, तो वहाँ में मुरैना आई है बोल रही, फिर बोली है वहाँ भिंड दुकान पर गई थी। ऐसे घुमा तो रहे रहो, बहुत दिन आते घुमाए रहो 2 महीना। बुजुर्ग के बेटे का कहना है कि जब रोजगार सहायक के पास वे शिकायत करने पहुंचे तो उन्होंने उनकी फरियाद सुनने से इनकार कर दिया। मेरी माँ की जून मासिक वृद्धा पेंशन बंद है, मैंने इससे संपर्क किया तो संपर्क करने के बाद इसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब एक गलती भी होती है किसी व्यक्ति से अनजाने से या जानबूझ के, तो उसको एक सुधारने की कोशिश की जाती है। इसने जानबूझ के मुझे परेशान किया, 2 माह से मेरी पेंशन नहीं मिली है। मैं जनपद के अंदर गया, जनपद में कोई सुनवाई नहीं हुई, तब मुझे जन सुनवाई में जाना पड़ा वृद्ध माँ को लेके। बुजुर्ग महिला और बेटा अपना फरियाद लेकर कलेक्टर के पास भी पहुंचे। बुजुर्ग महिला ने बताया कि रोजगार सहायक ने आईडी का स्थान ही बदल दिया और बदल कर भिंड जिला कर दिया। कभी सर्वर ठप हो जाने का बहाना बनाया तो कभी पेंशन चालू नहीं होगी कहकर बुजुर्ग को लगातार परेशान भी करता रहा। पीड़िता की शिकायत सुनते ही अब कलेक्टर ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और ये बहुत ही सीरियस मैटर है, देखना होगा कि इंटेंशनली हुआ है या कोई टेक्निकल खामियों से हुआ है। मैंने सिविल जिला पंचायत साहब से बात की है, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, है तो ये गलत। सिस्टम के इस कहानी में एक बुजुर्ग है जो अपने जिंदा होने का सबूत दे रही है, इस उम्मीद में कि कब उसकी पेंशन फिर से चालू हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सोचने वाली बात यह भी है कि एक गलती और लापरवाही से कैसे आम जिंदगी प्रभावित हो जाती है, सुविधाओं से दूर हो जाती है और फिर आम लोगों को अपने हाथ में सबूत लेकर इसी तरीके से दर दर भटकना पड़ता है, अधिकारियों के आगे मिन्नतें करनी पड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
पान कभी लबों की शान हुआ करते थे। हिंदी फिल्मों के न जाने कितने ही गाने आपको याद होंगे जो पान को केंद्र में रखकर लिखे गए। अलग अलग इलाकों के पान की भी अपनी खास पहचान होती थी और ऐसे ही रीवा के पान की भी अपनी अलग शान और पहचान थी। देश से लेकर विदेश तक रीवा के पान बाजारों की रौनक हुआ करते थे, लेकिन रीवा में अब पान के किसान परेशान हैं। पान की खेती करने वालों में भारी गिरावट भी आई है। आखिर क्या है रीवा के मशहूर पान की कहानी और उसके धीरे धीरे खत्म होने का सिलसिला? रीवा से संवाददाता विवेक तिवारी की रिपोर्ट वही सब बता रही है, जरा ध्यान से देखिए। रीवा के पान के पत्ते की शान हिंदुस्तान से लेकर पड़ोसी मुल्क तक हुआ करती थी। एक दौर था जब रीवा के पान की कसीदे पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश जैसे देशों में पढ़े जाते थे, लेकिन शायद रीवा के महसाओं और भीटी गांव की मिट्टी की खुशबू में पैदा होने वाला पान अपने अतीत की कगार पर खड़ा है। गुड़ तहसील के लगभग 6 किसान परिवारों का अब पान की खेती से मानो मोह भंग सा हो गया है। आलम यह है कि किसान पान की खेती छोड़ रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं। पान की खेती से जुड़ा चौरसिया समाज अब परंपरागत पेशा छोड़कर मजदूरी करने को विवश हो गया है, क्योंकि पान की खेती में अब खर्च ज्यादा है और फायदा कम हो गया है। कब से, कितनी पीढ़ियों से आप लोग ये कर रहे हैं? ये बहुत साल हो गए, 20 साल हो गया, ऊपर हो गए। कई पीढ़ियों से कर रहे हैं? अरे कम से कम ना हो तो 50 साल से ही। हाँ। इसमें बहुत खर्चा आता है। अच्छा, खेती कम कर रहे हैं लोग, ऐसा क्या कारण हो गया? अब नहीं, कोई नहीं करता है तो अब क्या करें? इसमें फायदा कम हो रहा है ऐसा क्या? हाँ, फायदा बाहर वाला आता है पान ना, तो इसमें फायदा नहीं है। हाँ, तो इस सस्ता हो जाता है पान, जब बाहर वाला पान आता है तो नहीं बिकता है। एक समय पान की यहाँ मंडियाँ लगती थी तो 15 से 20 लाख रुपए का कारोबार एक दिन में हो जाता था, लेकिन अब स्थानीय लोग ही उन पान को खरीदने को तैयार नहीं है जो पान प्रदेश और देश के बाहर जाया करता था। वहाँ के बाजारों में अब कोलकाता और नागपुर से पान सप्लाई होने लगा है। ऐसे में भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तक अपनी धाक रखने वाले रीवा के कुछ गांवों का बंगला पान अब अपना वजूद खत्म होते देख रहा है। वहीं सरकार और प्रशासन भी पान की खेती को लेकर कोई ठोस कदम उठा नहीं रहा है। उस समय बहुत बढ़िया रहा पान की खेती के साधन सुविधा, मौसम अच्छा रहा, पानी बरसा रहा है, कोनो चीज के अगर हुआ हो तो शासनों से कुछ मिल जाता रहा मदद, लेकिन ये समय कोनो मतलब नहीं आया। पान का पहले अच्छा रेट रहा, पान सूखत नहीं रहा है और पान अच्छे रेट में पान बिकत रहा है। कितने रुपए सैकड़े बिकते थे? अरे हो गया, मान के चलिए कि 100-150 रुपए सैकड़ा गर्मी में बिकता था, 5 रुपए से लेके 100 रुपए सैकड़ा तक बिकता था। और अब क्या है? अब तो पान की कोनो पान है ही नहीं, अब सूख गया सब। 10,000 से ऊंचे चौरसिया समाज खेती करते थे, लेकिन आज अब कोई खेती करने को तैयार नहीं, क्योंकि पान की खेती में कुछ है ही नहीं है। नुकसान हो रहे हैं। पहले परंपरागत पान की खेती से जुड़े चौरसिया समाज के लगभग 10 से 15 हजार परिवार पान की खेती किया करते थे, लेकिन मौसम की मार और अब पान का सही दाम न मिल पाने के कारण इन किसानों ने धीरे धीरे पान उगाना ही बंद कर दिया। इसके अलावा गुटखा उत्पादन ने भी पान की खेती को भारी चोट पहुंचाई। स्थानीय और बाहरी बाजारों में बंगला पान की पकड़ कमजोर हो गई। परंपरागत खेती से जुड़े सभी परिवार अब पलायन कर मजदूरी करने के लिए और गार्ड की नौकरी करने को मजबूर हैं। अभी क्षेत्र में पान की खेती करने वाले किसानों को उंगलियों पर भी गिना जा सकता है, जबकि पहले इनकी संख्या हजारों में हुआ करती थी, लेकिन अब मुश्किल से 8 से 10 परिवार ही ऐसे हैं जो पान की खेती करते हैं। कभी रीवा के पानों की अलग अलग वैरायटी अपनी अलग अलग पहचान रखती थी, जिसमें जयसवारी, कटक, बंगली पान प्रसिद्ध हुआ करते थे। 400 रुपए सैकड़ा पान बेचता था, अब वही 4 रुपए सैकड़ा जा रहा। कितना परिवार था जो यहाँ पे? कम से कम 10 से 15 हजार परिवार, लंबा परिवार खेती करता था। अब वो लगभग यहाँ 5-6 गांव ऐसे हैं यहाँ पाने पान की खेती होती। पहले बंगला मिलता था, जयसवारी, कटक, बंगली, पर अब सब कुछ नहीं है, महोबा सब बंद हो गए। दूर दूर तक जाता, बम्बई, कलकत्ता, विदेशों में जाता था जो अच्छा पान था, पर अब है नहीं। आखिरकार पान जो कभी लबों की शान हुआ करता था, रीवा जिले की पहचान हुआ करता था, वो खत्म हो गया, अतीत में समा जाने की कगार पर पहुंच गया है। पान के किसान अब पलायन करने लगे हैं, हालात बदलते गए हैं
और कभी हजारों में होने वाले किसान अब उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जल्द पान किसान और पान की खेती को बचाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो वो दिन दूर नहीं है जब पान की खेती और पान के किसान रीवा जिले में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। जितना पान के किसानों को बचाने की जिम्मेदार शासन प्रशासन और सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी पान खाने वाले और पान के शौकीनों की भी है। और अब इसी बीच खबर उज्जैन से मिल रही है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र से खबर है, पुलिस ने दो बाइक चोर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बदमाशों ने रील्स बनाने के लिए बाइकों की चोरी की थी, जिसके बाद उन्होंने एक बाइक में आग लगा दी तो वहीं दूसरी बाइक को शिप्रा नदी में फेंक दिया। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस अभी तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है। तो देखिए, रील्स बनाने के लिए इन युवकों ने, इन बदमाशों ने बाइक की चोरी की थी और रील बनाने के बाद बदमाशों ने एक बाइक में आग लगा दी तो वहीं दूसरी बाइक को शिप्रा में फेंक दिया। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और सीधे रुख करेंगे संवाददाता संतोष कृष्णानी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला और क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, आजकल के युवकों को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धि हासिल करने के लिए इस तरीके से चोरी चकारियों के बाद जिस प्रकार के युवक आतंक मचा रहे, सीधे सीधे पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं कि राह चलते रील बनाना, बाइक चोरी करके उसमें आग लगा देना, फिर शिप्रा नदी में फेंक कर, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर खुद वीडियो बनाकर, रील बनाकर अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। और इस पर पुलिस पूरी तरह साइबर टीम को अलर्ट किया गया, उसके बाद पुलिस युवकों की तलाश की गई, जिसमें तीन में से दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और तीसरे की भी तलाश जारी है। जिस प्रकार सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि दो तीनों युवकों की पहचान कर ली गई है और उसमें से दो को पकड़कर न्यायालय में भेजा जाएगा और एक की तलाश अभी भी जारी है। बिल्कुल संतोष, शुक्रिया, बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, तीसरा आरोपी जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, रील बनाने के लिए बाइक चुराई थी। और चलिए इसी पर और ज्यादा हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए सीएसपी ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, बताइएगा, क्योंकि अभी भी एक आरोपी आपकी गिरफ्त में नहीं आया है, दो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या कुछ उसके बारे में जानकारी मिल पाई है? और ये जो दो युवक गिरफ्तार हुए, या ये पहले भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दे चुके थे? चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक बाइक को शिप्रा नदी में इन आरोपियों ने फेंक दिया तो वहीं दूसरी बाइक में आग लगा दी। रील बनाने का शौक इन युवकों पर ऐसा चढ़ा कि रील बनाने के चक्कर में युवकों ने बाइक की चोरी की। अब ये दो बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं तो वहीं तीसरे की तलाश जारी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिवनी जिले की। सिवनी जिले की लखनादौन विधानसभा, जिसे प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में गिना जाता है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आने वाली इस विधानसभा के अधिकांश गांवों में आज भी कई असुविधाएं हैं। लोग आज भी यहां मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। किसी भी इलाके के विकास के लिए सबसे जरूरी होती है सड़कें। सड़कें ही विकास का आईना होती हैं और क्षेत्र के विकास की हकीकत भी बयान करती हैं। लेकिन जिले की लखनादौन विधानसभा के गांवों की तस्वीरें विकास के दावों की पोल खोलती हैं। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी ग्रामीण यहां टकटकी लगाए बैठे हैं कि विकास आएगा और सड़कों के सहारे आएगा। यहाँ खमरिया गुर्जर से मढ़ी पहुँच मार्ग की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है और इस रास्ते से ही लगभग 20 गांवों के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सभी को बरसात के दिनों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मढ़ी गांव में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहाँ लगभग 15 गांवों के बच्चे पढ़ाई करने पहुँचते हैं। लेकिन इन दलदल रास्तों की वजह से स्कूल जाने में बच्चों को काफी लेट हो जाता है और उनके कपड़े भी धूल और मिट्टी से सन जाते हैं। पढ़ने के लिए वहाँ से हम जिस सड़क से जाते हैं वो बहुत ही खराब है, हम उस सड़क से आ जा नहीं सकते। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर होगा फीसल, दलदल होता है जिसके कारण हम जा नहीं पाते, फिसल जाते हैं, बैग गिर जाते हैं, न सिर्फ बच्चे बल्कि सभी गांव वाले भी सड़क जैसी बुनियादी समस्या के लिए तरस रहे हैं। कई जनप्रतिनिधि इस गांव में आ चुके हैं, समस्या को देख भी चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने इन स्कूली बच्चों और गांव वालों की समस्या को सुलझाने का नहीं सोचा। सड़क जो कि त्यों दलदल के बीच पड़ी हुई है। जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे। कई
बार गुहार लगा चुके बच्चों और ग्रामीणों ने अब इस सड़क को बनवाने का जिम्मा खुद उठाया है और सभी विद्यार्थी अपने परिजनों के साथ 25 किलोमीटर का सफर तय कर लखनादौन SDM हिमांशु जैन के पास अपनी फरियाद लेकर पहुँचे। हमारी समस्या सड़क है जिसके कारण हम स्कूल जाने आने में असमर्थ हो जाते हैं और हम बहुत से अलग अलग क्षेत्र से आए हुए बच्चे हैं, हमें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा समस्या आती जाती हैं। हम रास्ते में जब भी जाते हैं कुछ समय ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कभी नाला आ जाता है जिसमें हमारी बहने का खतरा रहता है। SDM के पास अपनी शिकायत लेकर पहुँचे बच्चों और ग्रामीणों ने निवेदन किया है कि साहब सड़क बनवा दीजिए, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 15 से 20 साल हो गए आदरणीय भाई बंधुओं कि हम उस रोड के लिए सांसद विधायक मुख्यमंत्री पता नहीं हमारे आदिवासी सहायक आयुक्त महोदय सबको हम आवेदन दे चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मिट्टी मुरम तक का काम नहीं हुआ। आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं, साथ में समस्त छात्र छात्रा भी हैं, क्षेत्रीय जन हैं और हम इस मुकाम में पहुँचे हैं कि अगर हमारा ये कार्रवाई अब नहीं होती तो हम अनशन करने के लिए विवश होंगे। कई बार सड़क की मांग उठा चुके ग्रामीणों की अब तक किसी ने नहीं सुनी है, अब SDM ने शिकायती पत्र लेकर जांच करवाकर आगे कार्रवाई की बात कही है। मड़ी पाटन के में एक रोड के संबंध में कुछ समस्या लेकर आए तो इसका परीक्षण करें, अभी इसको परीक्षण करके उचित सुझाव देते हैं, हम आगे पूछेंगे। सड़क की मांग को लेकर आंदोलन की राह पकड़ चुके ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने साफ कह दिया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन करने लगेंगे। अब देखना होगा कि स्कूली विद्यार्थियों की समस्या का समाधान आखिर कब तक हो पाता है या फिर गांव वाले सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए यूं ही गिड़गिड़ाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से बच्चों के पास स्कूल तो है, स्कूल में तमाम सुविधाएं हैं लेकिन स्कूल तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है और करीब 7 से ज़्यादा दशक बीत चुके हैं आज़ादी को, लेकिन उसके बाद भी ये ग्रामीण तरस रहे हैं कि उनके गांव की सड़क कब बनेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है, महिलाओं को रक्षाबंधन पर मिली राशि को लेकर उन्होंने बयान दिया, कहा जो रक्षाबंधन मनाते हैं उन्हें ही इसका लाभ मिले, जो त्योहार ही नहीं मनाते, जो त्योहार ही नहीं मानते उनके लिए राशि का कोई मतलब नहीं है। तो पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने ये बड़ा बयान दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने महिलाओं को रक्षाबंधन पर मिली राशि को लेकर ये बयान दिया, कहा है कि जो रक्षाबंधन मनाते हैं उन्हें ही इसका लाभ मिले और जो त्योहार ही नहीं मानते उनके लिए राशि का कोई मतलब नहीं है। सुनवाते क्या कुछ कहा। मोहन यादव जी अधिक संवेदनशील हैं और उस संवेदनशीलता के कारण ही उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर महिलाओं का जो विशेष खर्च होता है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए और रक्षाबंधन के त्यौहार के कारण उन्होंने ये राशि की वृद्धि की है। इसको अन्य किसी भी ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन मेरा एक आग्रह है कि जो रक्षाबंधन त्यौहार में विश्वास करते हैं, जो रक्षाबंधन त्यौहार मनाते हैं, जो इस हिंदू त्यौहार को स्वीकार करते हैं, राशि का लाभ उनको ही मिलना चाहिए। जो इस त्यौहार को स्वीकार ही नहीं करते, जो इस त्यौहार को मानते नहीं, जो ये त्यौहार का उपयोग अपने भाईचारे में करते नहीं हैं, अपने रिश्तों में इसका उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए इस बढ़ी हुई राशि का कोई औचित्य नहीं है। और देखिए पूरे प्रदेश में बाढ़ बारिश का दौर जारी है, मानसूनी आफत आसमानी आफत बन गई है, नदी नाले उफान पर है और ऐसे में भी लोग जान खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे। डिंडोरी से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, देखेंगे तो डर लगेगा कि आखिर कांवड़ियों के जत्थे ने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया, ये जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कितनी भी समझाइश दीजिए, लोगों को कितना भी समझाइए पर लोग अपनी जान खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे। ताज़ा तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडोरी से सामने आई हैं, जहां कांवड़ियों का ये जत्था उफंती नदी के बीच कतारबद्ध होकर सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि साथ चल रहे बाकी लोगों की भी जान खतरे में डाल रहा है। पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, मानसूनी बारिश ने अब आसमानी आफत का रौद्र रूप ले लिया, फिर भी अलग अलग इलाकों में लोग अपनी जान को 100% खतरे में डाल रहे हैं। इन तस्वीरों को ही देखिए, ये लगभग 50 कांवड़ियों का जत्था है,
एक के पीछे एक दूसरे का हाथ पकड़े ये लोग सिवनी नदी पर बनाए गए डायवर्जन पुल को पार कर रहे हैं। तेज बहाव के बीच ये जत्था एक ओर से दूसरी ओर जा रहा है। बता दें कि गोपालपुर के रास्ते छत्तीसगढ़ से सैकड़ों की तादाद में कांवड़िए अमरकंटक जाते हैं और इसी दौरान का ये वीडियो भी है। ये सीधी साधी लापरवाही है जो जान को खतरे में डालना है। गनीमत रही कि कोई भी घटना नहीं घटी, सभी कांवड़िए सुरक्षित नदी को पार कर गए। बारिश का दौर है और हर ओर रोज बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में अपनी या परिवार की जान को खतरे में मत डालिए। उफनते नदी नालों से दूर रहिए। उम्मीद है प्रशासन भी इस ओर ध्यान देगा और आखिर नागरिकों की सुरक्षा ही तो उनकी जिम्मेदारी है। तो देखिए, प्रशासन भी लोगों से यही अपील कर रहा है बार बार कि बाढ़ और बारिश के बीच अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखें। लेकिन डिडोरी से आई ये तस्वीरें वाकई में हम सभी को चौंकाती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सावन मास में निकलने वाली महाकाल की तीसरी सवारी का आयोजन 4 अगस्त को होगा। सवारी में 1500 डमरू वादक शामिल होकर एक साथ डमरू वादन का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। देखिए उत्साह का ये रिपोर्ट। उज्जैन महाकाल की शाही सवारी, 1500 डमरू एक साथ बजाने का विश्व रिकॉर्ड। शिप्रा नदी पर होगा आयोजन। भस्मारती और शंखनाद एक साथ होगा। 10 मिनट तक होगी प्रस्तुति। सावन का अद्भुत संयोग उज्जैन वासियों के लिए अलौकिक उत्साह लेकर आया है। उज्जैन में बाबा महाकाल की पहली सवारी में बाबा मौलेश्वर और दूसरी सवारी में चांद की पालकी में चंद्र मौलेश्वर के रूप में दर्शन दिए। महाकाल की तीसरी सवारी में विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें 1500 डमरू बजाए जाएंगे। महाकाल सवारी का मार्ग 5 किलोमीटर तक होगा। महाकाल सवारी मार्ग 1500 सदस्य एक साथ भस्मारती में होंगे शामिल। मार्ग में शिव के प्रिय वाद्यों की मंगल ध्वनि भी सुनाई देगी। एक जैसी गणवेश में झांझ और डमरू बजाते देखेंगे भक्त। शंकर झांझ मजीरे और डमरू सेवक बाबा महाकाल के उद्घोष के साथ शंख झांझ मजीरे और बड़ी संख्या में पूरे उत्साह के साथ डमरू का प्रशिक्षण ले रहे हैं। सब कुछ विस्तार न्यूज ने अपने कैमरे में कैद किया और बनने वाले रिकॉर्ड के बारे में महाकाल मंदिर प्रशासक मोनाल मीणा और डमरू सेवकों से बातचीत भी की। आप देखते हैं प्रशिक्षण ले रहे हैं भक्त। भस्म रवैया मंडली की तरफ से यहाँ पर 1500 डमरू के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और खुद लगातार इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कलेक्टर प्रशासक सभी जो बड़े अधिकारी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस बार की जो सवारी का रूप होगा, जैसे हमने पिछली सवारी में देखा था कि पुलिस बैंड के द्वारा सुर मधुर धुन के माध्यम से प्रस्तुति दी थी, और इस बार तीसरी सवारी में डमरू के माध्यम से बाबा महाकाल की सेवा का जो संकल्प है प्रदेश के मुखिया का, वो साकार होने लगा है। सर क्या कहेंगे, अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। हमारी जो तीसरी सवारी है, जैसा कि आपको पता है, हमारा प्रयास ये है कि 1500 डमरू वादकों से जो एक धुन हमने सेलेक्ट करी है उसकी अभी प्रैक्टिस चल रही है और उस धुन को ये 1500 डमरू वादक एक साथ बजाएंगे, जिनके साथ में कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी रहेंगे। सर कहीं ना कहीं शंख वादन के साथ शुरुआत होगा, शंख बजेंगे, झांझ मजीरे बजेंगे और खास बात ही जो बाबा महाकाल अति प्रिय वाद्य यंत्र है डमरू, किस प्रकार का अद्भुत नज़ारा रहेगा वो? 1500 हमारे डमरू वादकों का दल साथ में चलेगा सवारी के, और उसके साथ में ही हमारे जो जनजातीय कलाकार हर सवारी में शामिल होते आए हैं उनका भी एक दल इस बार प्रस्तुति देगा। क्या कहेंगे, प्रस्तुति लगातार बाबा का आशीर्वाद है और प्रस्तुति हमारी लगातार जारी है, बच्चों को सिखा रहे हैं और हमारी तमन्ना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बने बाबा के आशीर्वाद से। तो जो दृश्य होगा वो अद्भुत होगा। इंद्रदेव भी इन भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगले संभाग की, और बात करेंगे बुरहानपुर जिले की। बुरहानपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की 3 धरोहर जो कि गजट नोटिफिकेशन में वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज हो गई थी, इसे लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इन संपत्तियों को वक्फ की संपत्तियां नहीं माना और ASI के पक्ष में फैसला भी दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर, जहां 200 से अधिक ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की छोटी बड़ी इमारतें हैं,
इनमें तीन ऐतिहासिक इमारतें, बेगम शाह शुजा का मकबरा, आदिल नाह नादिर शाह फारूकी का मकबरा वक्फ बोर्ड ने गजट नोटिफिकेशन में अपनी संपत्ति के रूप में दर्ज कराई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने इसे चुनौती देते हुए जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। वहीं कोर्ट ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत आने वाली तमाम संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड से सवाल किए हैं और कहा कि वक्फ बोर्ड बुरहानपुर के किले में मौजूद उन स्मारकों पर मालिकाना हक नहीं जता सकता। फैसला जो है तो माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला है उसका जो है हम स्वागत करते हैं, क्योंकि मामला ये है कि जो स्मारक जिस नौयत का है उसको एज इट इज़ संरक्षित करने के लिए उसी विभाग को सौंपा जाना चाहिए जिस विभाग के पास उसको संरक्षित करने के लिए प्रॉपर डिपार्टमेंट हो। जैसे वक्फ बोर्ड को आप देखें, वक्फ बोर्ड के पास ना तो वैसे डिपार्टमेंट्स है और ना ही उनके पास वो कैपेबिलिटी है, क्योंकि कुछ स्मारक जो ऐतिहासिक हैं किंतु वक्फ बोर्ड के पास है, तो आप उनका सर्वे करके देख लीजिए, उनके मूलभूत ढांचे को पूरे तरीके से बदल दिया गया है और ना ही उनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन। उधर फैसला आने के बाद बुरहानपुर में वक्फ संपत्ति और पुरातत्व विभाग की संपत्तियों को लेकर एक बार फिर से नए सिरे से बहस छिड़ गई है। जिला वक्फ बोर्ड ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा, कानून विदों से सलाह ली जाएगी और जरूरत पड़ी तो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की जाएगी। अभी हाईकोर्ट का कल एक डिसीजन आया है जिसके अंदर कुछ तीन धरोहर का डिसीजन हुआ है हाईकोर्ट ने, जिसने लगाया था उनके फेवर में दिया, पुरातत्व विभाग के फेवर में दिया है। बाकी अभी जो भी कोर्ट का डिसीजन आया है उसकी हम कॉपी निकाल के स्टडी कर उसके बारे में पूरे हमारे भी वकील है वक्फ बोर्ड के, वो उनको बैठ के पूरी बात कर और हम दूसरे उसके अंदर सुनवाई में जाएंगे डबल बेंच की फिर से, कभी डिसीजन गलत आया है तो। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने साल 2013 में इन स्मारकों को आदेश जारी कर अपनी संपत्ति घोषित की थी। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। अब इस फैसले के आने के बाद एक बार फिर से शहर में एक नई बहस शुरू हो गई है। विस्तार न्यूज के लिए बुरहानपुर से मौसम तड़वी की रिपोर्ट। खबर है जो आपके बेहद काम की है, तो देखिए भोपाल से अब रीवा का सफर आसान होने जा रहा है। दोनों बड़े शहरों के बीच आज से एक नई ट्रेन चलने जा रही है जिससे दोनों ही शहरों के साथ ही आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी इसका फायदा होगा। भोपाल से रीवा और रीवा से भोपाल आना जाना अब बेहद आसान होगा। दोनों शहरों के बीच में एक नई ट्रेन शुरू हो रही है। नई ट्रेन का आज से आगाज होगा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर CM डॉक्टर मोहन यादव इस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाएंगे। लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि रीवा से भोपाल चलने वाली ट्रेन रेवांचल में बहुत लंबी वेटिंग होती है और बहुत सारे लोगों को टिकट मिल नहीं पाता, रिजर्वेशन मिल नहीं पाता है, इसलिए एक और नई ट्रेन चलाने की आवश्यकता है। ये बड़े खुशी की बात है कि रीवा से भोपाल और भोपाल से रीवा के लिए एक नई ट्रेन स्वीकृत हुई है इस बार के बजट में। 2 तारीख से भोपाल में से वो रवाना होगी, उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। भोपाल में विंध्य क्षेत्र की करीब 4 लाख की आबादी रहती है जो सिर्फ रेवांचल एक्सप्रेस के भरोसे ही थी। रेलवे ने वंदे भारत की सौगात जरूर दी लेकिन महंगा किराया होने की वजह से ये आम लोगों की पहुंच से दूर है, जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खास तौर से गर्मियों में महिलाओं, बच्चे, बुजुर्ग को ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलने से परेशानी हो रही थी। लगातार लोगों की तरफ से इन इलाकों में जाने के लिए ट्रेन की मांग की जा रही थी, जिस पर रेल मंत्रालय ने इस इलाके के लोगों को ये सौगात दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इधर छतरपुर में कुएं ने 4 जानों को निगल लिया। मजदूर जिस वक्त काम कर रहा था उसी वक्त उसकी हथौड़ी कुएं में जा गिरी। उसे निकालने के लिए मजदूर कुएं में उतरा और उसके बाद एक एक कर एक ही परिवार के 3 लोग कुएं में उतरे और फिर जो हुआ वो जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। छतरपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गड़ी मलहरा थाना के तहत कुर्राहा गांव में शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे कुएं में जहरीली गैस के कारण दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ। दरअसल कुछ मजदूर कुएं के ठीक पास बन रहे मकान में काम कर रहे थे और इसी दौरान एक कारीगर मुन्ना कुशवाहा के हाथ से हथौड़ा छूटकर कुएं में गिर गया।
इसे लेने के लिए मुन्ना कुएं में उतरा और काफी देर तक लौटकर वापस नहीं आया, जिसके बाद एक मकान मालिक शेख वसीर मौके पर गया और वो भी कुछ देर तक बाहर नहीं लौटा। इसके बाद एक एक कर बेटा शेख असलम और भतीजा अल्ताफ भी कुएं में गए और वो भी लौटकर नहीं आए और चारों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस के आने तक कुएं में गिरे सभी लोगों को ऊपर खींच लिया गया था। एम्बुलेंस को आने में देरी हुई और इस वजह से तीन लोगों को निजी वाहनों से अस्पताल भेज दिया गया। जब चौथे व्यक्ति को निकालते समय एम्बुलेंस पहुंची और उसे अस्पताल ले जाया गया। परिजन का आरोप है कि ऑक्सीजन मिल जाती तो सबकी जान बच सकती थी। कुएं में बीते तीन साल से सफाई नहीं हुई थी और ऐसे में एक हथौड़े के लिए मजदूर का कुएं में उतरना और पीछे पीछे एक ही परिवार के चारों लोगों का उतरना उनकी जान का दुश्मन बन गया। इसमें चार लोग हो गए। क्या मौत हो गई है? हाँ। कैसे घटना हुई? क्या वो गैस कुइया में उतरने से, उसमें कुइया में जहरीली गैस थी। हाँ। तो एक लोग उतरे, एक लोग के साथ तीन लोग और उतरे बचाने के लिए, उसी में तीनों लोग गैस के कारण खत्म हो। परिजनों ने बताया कि कुएं की सफाई और खुदाई के चल रही थी, तो पहला एक आदमी वहां पे कुएं में गिरा, गिरने के बाद में दूसरा आदमी उनको बचाने गया, इसी तरीके से दो लोग और उनको बचाने गए और जैसे ही वहां पे गिरे तो उनको दम घुटने से वहां पे उनकी, परिजनों के द्वारा बताया गया कि दम घुटा उनका और वो सांस नहीं ले पाए और मृत्यु हो गई। और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद बहुत कुछ बदल रहा है और कुछ पुराना वापस भी लौट रहा है। आज हम बात कर रहे हैं सरकार की योजनाओं के बारे में, क्योंकि चरण पादुका योजना 5 साल बाद फिर से लागू होने जा रही है। ये योजना इसलिए भी खास है क्योंकि 2018 में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक आदिवासी महिला को चप्पल भी पहनाई थी, जो वीडियो पूरे देश में खूब वायरल भी हुआ था। फिर से शुरू होगी चरण पादुका योजना, सीएम विष्णुदेव साय ने की घोषणा। कांग्रेस सरकार ने बंद की थी योजना। तेंदू पत्ता संग्राहकों को मिलेगा योजना लाभ। 66,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी सरकार तेंदू पत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासियों के लिए चरण पादुका योजना शुरू करने जा रही है, जिसकी घोषणा सीएम विष्णुदेव साय ने कर दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आदिवासी तेंदू पत्ता इकट्ठा करने के लिए जंगलों में जाते हैं। गरीबी के चलते आदिवासी खाली पैर ही पत्ता इकट्ठा करते रहते हैं। इसके चलते उनके पैरों में कंकड़ पत्थर के अलावा कभी कभी कांटे भी चुभ जाते हैं। कई बार तो पैर के नीचे सांप और बिच्छू भी आ जाते हैं। इसी कष्ट को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार ने चरण पादुका योजना शुरू करने का फैसला लिया है। जंगल यात्रा भी उस दिन था और उस दिन घोषणा की, और इस साल 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदू पत्ता भी खरीदे और पूरा खरीदे। ऐसा नहीं कि पहले की सरकार जैसे दो दिन खरीदे, ऐसा नहीं, पूरा पत्ती भी खरीदे। अब बोनस भी देंगे, जो लाभ होगा तेंदू पत्ता में उसको सरकार रखेगी नहीं, वापस संग्राहकों को हम लोग बोनस के रूप में देंगे। चरण पादुका योजना भी शुरू कर रहे हैं। अभी इस साल थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, चुनाव उनाव आ गया तो नहीं दे पाए, लेकिन अब देंगे। बीजेपी सरकार के चरण पादुका योजना शुरू करने के फैसले पर अब कांग्रेस तंज कस रही है। इस बीच पूर्व मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार फिर से भ्रष्टाचार करने के लिए योजना शुरू कर रही है। सरकार को कुछ नया काम करना चाहिए, न कि भ्रष्टाचार के लिए योजनाएं शुरू करनी चाहिए। क्योंकि चरण पादुका में इतना घोटाला है, 50 रुपया का जूता को बीबाग में खरीद लेता है, 400 में बेचता है, 10 नंबर पैर को 5 नंबर वाला जूता मिलता है, जो 5 नंबर वाले को 12 नंबर मिलता है। आम जनता में बोलता हूँ, विधानसभा में हो चाहे कहीं भी, जूता अपना पसंद से पहनता है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं किया, इसलिए उनके दिमाग से भ्रष्टाचार शब्द जा नहीं रहा है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार किया है वो आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया। 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में हमने छत्तीसगढ़ के दूरांचल और वनांचल क्षेत्र के लोगों को चरण पादुका बांटी, उनको कपड़े बांटे, कहीं भी कोई शिकायत नहीं आई। अगर भ्रष्टाचार होगी तो उसका भी फोरम है,
वो पहले से क्यों शासन की था अपने जैसा, और भारतीय जनता पार्टी तो इनके भ्रष्टाचार को खोज के उजागर कर रही है, कार्रवाइयां कर रही है, तो इसलिए इनको भ्रष्टाचार इनके दिमाग में बैठा हुआ है। बहरहाल सरकार चाहती है कि तेंदुपत्ता तोड़ने वाले आदिवासियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, यही कारण है कि सरकार चरण पादुका योजना शुरू करने जा रही है। सरकार की यह योजना कितनी सफल होगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। बारिश के इस मौसम में लोगों के पास सर छिपाने के लिए छत तक ना हो तो क्या कहेंगे आप। लोग तिरपाल और पन्नियों से बनी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है, और इस बात पर यकीन करेंगे आप, सरकार लोगों को पक्का मकान देने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, पर सिस्टम की लापरवाही ऐसी कि 40 साल से बेघर लोग झोपड़ियों में आज भी रह रहे हैं। आज तक कागजों से निकलकर योजना जमीन पर नहीं पहुंची है। रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के जालबांधा से हमारे संवाददाता ने भेजी है। इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए कि गरीबों की मुश्किल जिंदगी से लेकर सिस्टम की लापरवाही तक को ये रिपोर्ट बयां कर रही है। बारिश के मौसम में बेबस लोग, झोपड़ियों और कीचड़ में रहने मजबूर लोग, कब पहुंचेगा योजनाओं का लाभ, कब सुनेगा प्रशासन इनकी गुहार। तेज बारिश का दौर शुरू हो जाए तो आप सर पर छत ढूंढते हैं, जल्दी घर पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर तब क्या जब आपके परिवार के पास सिर छुपाने, बारिश से बचने, महफूज रहने कोई घर ही ना हो। हम बात कर रहे हैं खैरागढ़ जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर मौजूद जालबांधा की, जहां हरजन वार्ड के लोग झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। जालबांधा के हरजन वार्ड में बीते 40 सालों से एक पूरा समुदाय अपने परिवार के साथ खद्दर से पन्नी और तिरपाल से बनी झोपड़ी में मूलभूत सुविधाओं के बिना रहने को मजबूर है। कीचड़ से सराबोर हो चुके इलाके में अब बारिश का पानी भी भरने लगा है। इन हालातों को बयां करना भी मुश्किल है कि कैसे लोग यहां जिंदगी जी रहे हैं। ना पक्की छत है, ना पीने के पानी का कोई इंतजाम है, बिजली की बात तो छोड़ दीजिए। बेघरों को आवास देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही, लेकिन विभागीय स्तर पर कार्यों के प्रति जिम्मेदारी न होने के चलते आदिवासी परिवारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जमीन पर हकीकत देखिए, इंसान जानवरों से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। मथुरा बाई भी यहीं रहती है। उम्र के इस पड़ाव तक आते आते कई बार प्रशासन से घर बनाने की मांग की मदद की गुहार लगाई, पर हुआ कुछ नहीं, तो मिट्टी का घर और तिरपाल लगाकर ही झोपड़ी में गुजर बसर कर रही है। अभी तक यहाँ बिजली न सड़क कुछ साधन नहीं है, सब मतलब क्या है। ये पवन तरह जालबंधा सब मतलब क्या, कोई देने वाला नहीं, हाव हाव कहता है, अब देता नहीं, हमको झुला रहा है, अब हटो कहता है, कहाँ से हटेगा, रहेगा इस जगह में, मरेगा इस जगह में, हम जाना नहीं हम। वहीं ग्राम पंचायत जलबांधा के सचिव का कहना है कि हरजन वार्ड में बीते 40 सालों से लोग रह रहे हैं, इनमें से एक दो लोगों का नाम पीएम आवास के लिए आया है, बाकी का नहीं आया। सरकार के नियम के तहत भू स्वामियों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इनके पास स्वयं की भूमि नहीं होने के चलते पीएम आवास का लाभ नहीं दिया जा सका। प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके कितने परिवारों को लाभ मिला अभी तक? अभी तक 3 ही लोगों को लगभग मिला है और 5 लोगों का अभी प्रतीक्षा सूची में है। अच्छा, तो उनकी आवाज बन गया 3 लोगों का? हाँ बन गया, बाकी 5 लोगों का? 5 लोगों का अभी नहीं बन पाया है, क्या शासन के निर्देशानुसार भू स्वामी होना चाहिए और वहाँ पे वो क्या है घाट जगह में निवास रहते हैं। कितने सालों से? लगभग 40 वर्ष हो गए उन लोगों को। उन लोगों को 40 वर्ष हो गया रहने को। जी, एक तरफ सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, सरकार लोगों को पक्का मकान देने के लिए योजनाएं चला रही है, पर सिस्टम की लापरवाही है और राजनीतिक खींचतान का खामियाजा आम और बेसहारा लोगों को उठाना पड़ रहा है। उम्मीद है इन तस्वीरों को देखने के बाद सिस्टम नींद से जागेगा, अधिकारी अपने ऐसी कमरों से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत को देखेंगे और लाचारी, बेबसी, झोपड़ियों में गुजर बसर करते इन हरिजन परिवारों को पक्का मकान मिल सकेगा। तो ग्राम पंचायत के अंदर ही एक ऐसा भी क्षेत्र है जो सड़क, मुख्य सड़क से किनारे में बसा हुआ है, जहां पर लगभग 40 परिवार 40 सालों से निवासरित है। और आपको मैं बता दूं कि इस पूरे परिवार आज तक वर्तमान में इतने सालों के बाद भी झुग्गी झोपड़ियों में ताल तिरपाल लगा कर रहने को मजबूर है। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? हम लोग को यहाँ पे लगभग नहीं तो 40 साल से ज़्यादा हो गया है, 40 50 60 के आसपास हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका लाभ आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? बोलता है कि वहाँ गया था खैरागढ़ हम लोग गए रहे, और नांदगांव भी गया था हम लोग, तो
तब वो बोला था कि होबे हो तो घर मिली, ऐसे बोलते हम अल्लाह ना पानी का साधन ना कहीं का साधन नहीं मिले, तालाब पानी पीता ना मैं। ये बता रहे हैं कि इनके जो वार्ड है इसमें ना तो सड़कें हैं ठीक से, ना तो पानी का सुविधा है, ना तो बिजली भी ठीक से नहीं है। और इधर छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती परीक्षा में मेरिट की लिस्ट में नाम आने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, इसे लेकर जगदलपुर के युवा काफी परेशान हैं। अपनी मांग को लेकर अब प्रदेश के युवा दर दर भटकने को मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। शिक्षकों की कमी से जूझते छत्तीसगढ़ में बीते सालों में शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में युवक युवतियों ने परीक्षा दी ताकि वे छत्तीसगढ़ के अलग अलग राज्यों में शिक्षक बने और शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने का मौका उन्हें मिले। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए परीक्षा तो हुई, शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट भी निकली और इस मेरिट लिस्ट में बस्तर के हजारों युवाओं का नाम भी आया, लेकिन उन्हें आज तक नौकरी नहीं मिल पाई, ना ही अंतिम सूची निकाली गई, जिसके कारण बस्तर के युवा परेशानी के साथ आक्रोशित भी हैं। परिचय दे दो। जी, मेरा नाम लखनऊ राम मरकाम है और मैं शिक्षक भर्ती 2023 का विद्यार्थी हूँ। अभी मेरे लिस्ट में नाम आ चुका है और अभी लगभग 5 लिस्ट शिक्षक वर्ग 2 के लिस्ट जारी हो चुके हैं और आचार संहिता के चलते अभी लिस्ट जारी नहीं हुए हैं, रुके हुए हैं, तो उनको हमको निकलवाना है और इसके लिए हम लोग मंत्रालय रायपुर में भी जा चुके हैं। अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है और हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग का काउंसलिंग, 6वां काउंसलिंग स्टार्ट हो और हम लोग का शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। तो वहीं दर दर भटक रहे ये युवा अपनी मांगों को उच्च अधिकारियों तक रख रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करना तो दूर सुना भी नहीं जा रहा। इतना ही नहीं, अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और ये है कि जब शिक्षक भर्ती आया हुआ था, लिस्ट इतना जारी हो चुका है, पर हमने 6वां 7वां जो लिस्ट है वो अभी तक अटका हुआ है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल शिक्षा अधिकारी तो पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के युवा अब भी सरकार से अपनी मांग पूरी करने की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो सुन लो सरकार। विस्तार न्यूज के लिए जगदलपुर से संजय ठाकुर की रिपोर्ट। तो देखिए, लिस्ट में नाम भी आया मेरिट लिस्ट में, लेकिन उसके बाद भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई और अब ये अभ्यर्थी यही गुहार लगा रहे हैं कि आखिर अब उनकी भर्ती कब होगी। इधर महासमुंद के बसना गांव में पिछले करीब 15 साल से बूटी वाले बाबा का दरबार लगता था। इसमें बाबा गर्भधारण के लिए प्रसाद देता था और देखते ही देखते अंधविश्वास भी फैलने लगा। बाबा के इस अंधविश्वास का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने दरबार पर रोक लगा दी है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। नींबू चटाकर प्रेगनेंसी का दावा, महासमुंद में अंधविश्वास का खेल, लोगों की मजबूरी का उठाया फायदा। इस आधुनिक समय में अगर कोई आपसे आपकी समस्या को ठीक करने के लिए उल जुलूल की बातें करे तब तक तो ठीक है, लेकिन आप उन जुलूल बातों को मानकर संतान प्राप्ति के सपने सजोए, ये बात ठीक नहीं। पर अंधविश्वास तो इसी को कहते हैं जिस पर बिना विचार करे विश्वास कर लिया जाए। महिलाओं की ये भीड़ अंधविश्वास की कहानी बयां कर रही है। लाइन लगाकर खड़ी ये महिलाएं बाबा की कृपा दृष्टि के इंतजार में हैं कि बाबा कब इन्हें चमत्कारी नींबू देंगे जिससे उन्हें बच्चा पैदा हो सके। महासमुंद जिले से 125 किलोमीटर दूर बूटी पाली गांव में हर सप्ताह मंगलवार और शनिवार को बाबा का दरबार सजता था, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल होती थी। आखिर ये अंधविश्वास है या चमत्कार? 40 साल से सस्ता था बाबा का दरबार। बच्चों की चाह में बाबा के पास आती हैं निसंतान महिलाएं। जड़ी बूटी से संतान प्राप्ति का दावा करता था बाबा। विज्ञान को झूठी चुनौती देता था बाबा। प्रशासन ने बंद करवाया बाबा का दरबार। पीतांबर जगत नाम के बाबा का दरबार इनके घर में ही लगता था, कभी सुबह से लेकर शाम तक तो कभी शाम से लेकर रात तक लोगों की भीड़ लगी रहती थी। ग्रामीण बताते हैं कि जब दरबार लगता था तब हजारों की संख्या में वो महिलाएं जो मां नहीं बन पाती थी वो बाबा के पास आती थी और पूरे गांव में गाड़ियों की लंबी कतारें लगती थी। हाँ, बाबा का दरबार हमारे गांव में लगता था, अभी बंद है। 2022 से लोग आते थे और झाड़फूंक भी करते थे और निसंतान वाले भी देखते थे बाबा। अब दरबार के बारे में तो बहुत बहुत दूर दूर से दर्शक आते थे संतान के लिए एवं बीमार के लिए,
अभी तो सावन सोमवार में भगत जी स्वयं बोल रहे थे कि माता रानी का भी बैठना बोले आदेश किए हैं कि अभी मत बैठना सावन सोमवार में करके बोल रहे थे। प्रशासन भी तहसीलदार SDM CO सर आए थे, साफ निर्देशित करके ये गए हैं कि मतलब आज से दरबार नहीं लगाना है, और दरबार लगाओगे भी तो छोटी मोटी जो है फूंक झाड़ चलती है गांव स्तर में वो करना, लेकिन ये संतान वाली दरबार नहीं लगाना है बोल करके गए हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्र ने महासमुंद कलेक्टर प्रभात मलिक को पत्र लिखकर शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और बाबा का दरबार बंद करवाया गया। पूरे मामले में ये कहना चाहूँगा ये कि ये पूर्णतः भ्रामक है तथा ये विज्ञान को चुनौती देने वाला कार्य है जो कि पूर्ण तरीके से झूठा है, और इसके लिए जांच टीम हम लोगों ने भेजी थी, वहाँ पर हमारे विभाग से गए थे, राजस्व विभाग से भी गए थे टीम। टीम ने पाया कि वो जड़ी बूटियों से और नींबू चटा करके इलाज करता है और ये कहता है पब्लिक को कि आप लोग गर्भवती हो जाओगे इसको, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। टीम ने उनको हिदायत दी कि इस प्रकार की भ्रामक अफवाह आप न फैलाओ तथा इस काम को बंद करो, तभी वर्तमान में तो उन्होंने उस काम को बंद कर दिया है। इस पूरे मामले में विस्तार न्यूज की टीम जब बूटीपाली गांव पहुंची और बाबा पीताम्बर से बात करना चाही तो बाबा ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। महासमुंद जिले का बूटीपाली गांव इन दिनों चर्चा में है, चर्चा इस बात की कि यहाँ बाबा निसंतान महिलाओं को संतान प्राप्ति के लिए जड़ी बूटी देते हैं, और ये हर सप्ताह मंगलवार और शनिवार को बाबा का दरबार सजता था, हजारों लोग आते थे, लेकिन इसकी बात जब शासन प्रशासन तक पहुंची तो प्रशासन एक्शन मोड में आ गया और बाबा से पूछताछ की, उसके बाद दरबार बंद हो गया है। इन सब के बीच जब विस्तार न्यूज ग्राम बूटीपाली पहुंची, बाबा के पास पहुंची, तो बाबा ने किसी भी प्रकार से बयान देने के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने एक शब्द में कह दिया कि अभी फिलहाल दरबार बंद है, लेकिन मीडिया में नहीं आना चाहता, मीडिया में कुछ नहीं कहना चाहता। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। अंधविश्वास के इस अंधे खेल की दुकान को प्रशासन ने कुछ दिनों के लिए बंद तो करवा दिया है, और अभी फिलहाल बाबा के घर में कोई दरबार भी नहीं लग रहा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आगे प्रशासन की कार्रवाई में कितनी सख्ती होती है जो मासूमों को ऐसे अंधविश्वास से बचा सके और उन्हें सतर्क कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, सैकड़ों मासूमों को अंधविश्वास में ढकेलने वाले बाबा के दरबार पर तो रोक लग गई है, लेकिन इस बाबा पर कार्रवाई कब होगी ये आगे देखना होगा। चलिए, इसी के साथ 15 संभाग 15 खबर में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।